खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा में आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू हुई है, जिसको लेकर नकल विहीन परीक्षा किए जाने का शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार दावा किया गया। यहां तक कि नकल करने और कराने वालों पर रासुका गैंगस्टर तक की कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा दिए गए इस अल्टीमेटम का शिक्षा माफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ा और आज यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन ही चार मुन्ना भाई दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए, जिनके केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि आज उनके द्वारा शांति निकेतन इंटर कॉलेज जिवल में उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान दो लोग पकड़े गए, जो दूसरे की स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, जिसके बाद उन लोगों को प्रशासन के हवाले किया, जिसमें से एक फरार हो गया जबकि दूसरे को थाने के हवाले किया गया। वहीं जखनिया तहसील के बुधानपुर गाँव में स्थित इंटर कॉलेज से भी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए तीन लोग पकड़े गए, जिसमें से एक फरार हो गया। जमानिया के एक कॉलेज पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा बदतमीजी की गई, जिसको लेकर वहां भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के प्रथम दिन कुल चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बी संदेश। इसको देख देख के आपको बताना भी तो है। हम ये स्टार्टिंग की रिस्पेक्ट। क्या नाम है आपका? आप पिताजी का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? रामपुर थाना रामपुर माझा में पुलिस द्वारा बताया गया है। क्या था आपका पूरा मामला? क्या कर रहे थे? किसकी जगह आप पेपर दे रहे हैं? क्या नाम है आपके भाई का? वो कहाँ थे कि आप उनकी जगह पेपर दे रहे थे? आपको पता नहीं है कि सरकार द्वारा नकल का कानून बनाया गया है कि नकल करते हुए पाए जाने पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई हो सकती है? क्या ये चीजें आपको नहीं पता थी? दूसरे की जगह परीक्षा देना अपराध है? कहाँ तक आप पढ़े हैं? आप कैसे उनकी जगह पेपर दे रहे थे? किसने कहा आपको देने के लिए? क्या नाम है आपका? तेज बोलो यार। पिताजी का क्या नाम? आज आप थाना रामपुर माझा में लाए गए हैं, क्या है आपका पूरा मामला? किसकी जगह आपके जगह कौन पेपर दे रहा था? उपेंद्र पाल दे रहे थे। कहाँ का रहने वाला है? देवचंद्र सर। आप क्यों नहीं पेपर दे रहे थे? क्या कारण है? आपको पता नहीं है सरकार द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु शासन प्रशासन को आदेश दिया गया है, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं? इसमें रासुका तक की कार्रवाई हुई। आज से हमारे बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुए हैं। आज हिंदी का पहला पेपर था और आज हमारे जनपद में 253 जो परीक्षा केंद्र हैं, इन सभी परीक्षा केंद्रों में एग्जाम हो रहा है। और इन परीक्षा केंद्र की सुपरविजन के लिए हम लोगों ने सभी परीक्षा केंद्र में 253 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हैं और उसके ऊपर हमने 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 11 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं, जिसके अतिरिक्त 11 सशस्त्र दल भी हमारे चल रहे हैं। और आज सुबह से सभी मजिस्ट्रेट सभी लोग राउंड पे थे, मैं और कप्तान साहब भी, हम लोगों ने सेंटर चेक किए। सभी जगह सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है, सभी की सीसीटीवी वगैरह सब क्रियाशील पाए गए, किंतु कहीं कहीं पे देखा गया कि जो बच्चे थे उनकी जगह कोई और एग्ज़ाम दे रहा था, प्रॉक्सी की शिकायतें मिली हैं। और हमने ऐसी जगहों पे जखनिया में एक सेंटर पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, जमानिया मिला है और जेवल में भी शांति निकेतन कॉलेज में एक ऐसा पकड़ा गया है। इन सभी बच्चों को हम लोगों ने जो कैंडिडेट्स थे उनको हिरासत में लिया है और फिर व्यवस्थापक के विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज करा है। तीन जगह पे इंसिडेंट आए और तीनों जगह पे FIR हो रही है और एक अतिरिक्त केंद्र पे जहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को काके कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा था, वहाँ पर भी हम लोग FIR करा रहे हैं। तो कुल चार जगह पर ये FIR हो रही है।